दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की न्यू वीडियो पे। तो दोस्तों, मैं आज फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाने जा रही हूँ अपनी न्यू बाइक के ऊपर। और अभी बाइक बाइक स्टार्ट करें, कोल्ड स्टार्ट करें, जब तक आपको मैं एक बैड न्यूज़ दे देती हूँ। सो बैड न्यूज़ ये है कि कल क्या हुआ, अगर आप लोगों ने मेरा मिनी ब्लॉग देखा हो तो आपको पता चला होगा, मेरी RX ने जो है इंजन ऑयल लीक कर दिया। खड़ी खड़ी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से चलाई नहीं थी, बस खड़े होकर रिवाइव वगैरह करी थी, तो RX ने जो है इंजन ऑयल लीक कर दिया। सो देख सकते हैं आप, ये रहा गाइस, काफ़ी सारा इसने यार इंजन ऑयल लीक कर दिया। सो डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अभी इसको भी ठीक कराएंगे एंड अभी फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं और रील वगैरह भी शूट करेंगे मस्त वाली। इसमें मैंने अपना सामान रख लिया, बकलावा वगैरह, एंड अपना हेलमेट उठा लेते हैं। सो इसके बाद अभी चलते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बैठते हैं। जब मैं इस पर फर्स्ट टाइम बैठी थी ना, मेरे पैर अड़े थे एंड अब नहीं अड़ते, अब मेरे को थोड़ी सी आदत हो गई है इसकी। एंड अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हो कैसी मस्त वाली लुक आ रही है यार, बड़ी मस्त लग रही है। अभी एक दो दिन में जो है इस पर यहाँ पर नाम वाम भी लिखवाएंगे, देखते हैं कहाँ पर लिखवाते हैं। एंड अभी चलते हैं इसको लेके थोड़ा सा घूमने के लिए, फिर वहाँ पे चल के और ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग रास्ते में हैं और भाई को खड़ा कर दिया वीडियो बनाने के लिए, और अभी भाई वीडियो बना रहा है। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो थोड़ी बहुत, तो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है यार मेरे को तो चलाने में। एक दो बार मैंने चला ली पहले भी, बट गाइस आज ब्लॉग फर्स्ट टाइम बन रहा है अपनी बाइक चलाते हुए। और आप बताओ कमेंट्स में लुक कैसी आ रही है मेरी, और रिएक्शंस चेक करो क्या मस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। मस्त लग रही है गाइस लुक। अभी आपको थोड़ा स्पीड अप करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी स्पीड अप करा, मजेदार। अभी जरा रुक के साउंड चेक करते हैं, हीटर लगा। अभी चेक करते हैं जरा साउंड्स कैसी आ रही हैं। चले तो दोस्तों, आर्यन कांबोज जी बैठ चुके हैं हमारे साथ साथी, और अभी हम लोग चल दिए। अब बनेगी मस्त वाली मोटो ब्लॉगिंग। और मेरे हेलमेट में से यार वो हेलमेट का स्टैंड जो है ना, वो सेट नहीं बैठा, नहीं तो वो होता तो मैं सोलो राइडिंग करती, सोलो ब्लॉगिंग करती। और आप लोगों को एक खुशखबरी और देनी थी, मेरा DL भी बन गया, तो अब मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकती हूँ। एक दो दिन में इसकी नंबर प्लेट भी आ जाएगी, तो बहुत जल्दी एक आपको लॉन्ग ड्राइव मिलने वाली है। क्योंकि अब सब चीज़ इलीगल, मतलब कुछ नहीं है, सब चीज़ लीगल हो चुकी है। सो इट विल बी फन गाइस, एक लॉन्ग ड्राइव करते हैं, भाई और मैं दोनों जाएंगे। अभी तो देखते हैं, ऋषिकेश देहरादून ही जाएंगे, आसपास में ही, ज़्यादा दूर नहीं कहीं पर जाते, हमारे घर के आसपास थोड़ा ऋषिकेश देहरादून ही पड़ता है। अगर हमें स्टैंड मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही जैसे भाई ने अभी पकड़ रखा है फ़ोन, ऐसे ही चलाएंगे काम और ऐसे ही करेंगे ब्लॉगिंग। सो अमेजिंग होने वाला, मज़ेदार रहेगा। अभी मस्त हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा शाम का टाइम हो गया तो एक बार ज़रा ऐसे घूम के आते हैं। सो हमारे यहाँ ब्लॉगर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, बट गर्ल ब्लॉगर बाइक्स के रिलेटेड कोई है नहीं हमारे यहाँ पे। तो हरिद्वार में आई थिंक मैं ही हूँ, जिस लड़की के पास R15 है। एक तो लड़कियाँ और हैं जो बाइक वगैरह इधर चलाती हैं, बट R15 अभी गाइस करेंटली मेरे पास ही है। और काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ है, आप रिएक्शंस देख सकते हो दोस्तों, रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। अभी साइड में करिए आर्यन, साइड में करिए आर्यन कैमरा, अभी देखना। वो दोस्तों ये देखो रिएक्शन, ओह माय गॉड,
होता है ना। अभी देखो वो भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भैया। अभी हम जा रहे हैं क्राउडेड प्लेस में, भीड़ भड़ाके में। अभी थोड़ा स्पीड अप करते हैं, पीछे कर ले आर्यन, कैमरा पीछे ले ले। आर्यन बिल्कुल खिचके आगे आ गया। थोड़ा यार इन बाइक्स में ऐसे होता है, बंदा खिंच जाता है। यकीन ना आ रहा तो देख लो, मैं ही चला रही हूँ ये 90। मैंने नहीं भगाई है, मैंने नहीं भगाई है दोस्तों 90। तो ये जितने भी सोचते हैं ना ये लड़कियों के बस की कुछ नहीं, ये जरा एक बार देख लेना। अभी 1.5-2 साल ही हुए चलाते हुए, और जिस दिन ये मैंने चलाई थी ना फुर्सत में अपनी बाइक, उसी दिन मैंने इसको भगा दिया था 90 पे। और आज आप लोग साक्षात देख सकते हैं, मैंने आज ब्लॉग में भी भगा दी। तो मैं सिर्फ खड़े खड़े ही नहीं करती गाइस, गाइस चलानी भी आती है और मस्त चला लेती हूँ। अभी गाड़ी बढ़िया करके गर्म हो गई मेरी ना। तो बताओ गाइस कमेंट में बताना कैसा लगा आपको यार, आपने आज से पहले मेरे चैनल पे इतनी स्पीड कभी देखी नहीं, और अभी इस गाड़ी से जाया करेंगे तो आपको ऐसी स्पीड मिला करेगी, मस्त इसको स्पीड में चलाएंगे बट विद सेफ्टी। आज ऐसी खुली जगह पे ही यूनी के क्राउडेड प्लेस में ही भगा रखी है। यहाँ पे एक खड्डा है, ये मेरे को अभी याद आया। आरन उछल गया। यहाँ पे एक खड्डा है और बहुत टाइम पहले ना उसमें मैं गिरने वाली थी खड्डे में, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खड्डा है वो यहाँ पे ना। अभी थोड़ा सा साइड में रुकते हैं, थक गए इस पर क्योंकि बैठने की अभी आदत नहीं, कमर उमर टूट जाती है इस पर बैठ के ना। आरन भी अभी थक गया होगा तो अभी साइड में लगाते हैं थोड़ी देर। गाइस थक गया तू, तू तो उड़ रहा था ना हवा में। मैंने तो भाई साहब ऐसी फर्स्ट टाइम चलाई है और काफी ज्यादा अमेजिंग थी। हाँ अब देखो गाइस, अब कशिश ऐसी मस्त मस्त चलाया करेगी, और बेचारे भाई के हाथ दुख गए पकड़े पकड़े। ओह एक मिनट उतर जाऊँ। सो आप बताना कमेंट्स में कैसा लगा आपको। अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी और चलते हैं, घूमते फिरते हैं। थक गया है मुझे लग रहा है इसकी शक्ल से ना, पकड़ा नहीं जाता यार क्योंकि इस पे बैठ के ना ग्रिप नहीं मिल पाती, इस चक्कर में पकड़ा भी नहीं जाता। बट गाइस आप चेक कर सकते हो, हट, ये देखो गाइस क्या मस्त लग रही है अपनी बाइक, एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रही है, बिल्कुल मैट मैट सी हो रही है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा रोक दिया, हम भी थोड़ा सा रेस्ट ले लें क्योंकि मेरे पीछे से इसका वजन आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, ये पकड़ के नहीं बैठा था। अगर ये ग्रिप करके बैठता तो मेरे को इतना जोड़ना पड़ता, फ़ोन के चक्कर में इसको भी ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, माउंट आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी बाइक चलाने में। और अभी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर मेरे को लोग ऐसे घूर घूर के जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब देखो गाइस सब घूर घूर के जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही है लड़की रोड पर खड़े होके। चलो जी दिखाते हैं इनको अपना जलवा क्या कर रही है लड़की खड़े होके।
अच्छा अभी वो है ना रिक्शा वाले भैया, उनके मुंह देखता हूँ, उनका मुंह खुल गया था भाई साहब पूरा का पूरा। इसको थोड़ा सा हटाना, थोड़ा हेलमेट लगा के ना सेफ्टी के पर्पज से भी ठीक रहता है और वैसे भी ठीक रहता है। तो आज से पहले आपने मेरे को मेन रोड पे चलाते हुए नहीं देखा होगा, आपने हमेशा मेरे को अंदर की रोड वगैरह पे देखा होगा। बट अब जब मेरे पास DL भी आ गया, हेलमेट भी है और मस्त वाली बाइक भी है, तो अब से हम लोग मेन रोड पे चलाया करेंगे बाइक, और मेन रोड पे अब ब्लॉग्स आया करेंगे बाइक चलाने के। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लोगों के रिएक्शंस मिलेंगे, दुनिया देखेगी, अपने को भी जानेंगे लोग कि यहाँ पे भाई कोई कशिश करके राइडर भी रहती है। फिर आपसे कहीं जाया करूँगी ना, इसको ही लेके जाऊँगी। पता है मम्मी आज तक नहीं बैठी इस पर, मम्मी को थोड़ा सा ना डर लगता है क्योंकि इसकी सीट थोड़ी ऊपर पे है ना। कमेंट्स करते रहते हो कि राइडिंग की वीडियो नहीं आती, रिवाइविंग की आती है। तो दोस्तों मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा पेपर ख़त्म हो जाए, और ऊपर से यार दिवाली की सफाई इतनी ज़्यादा होती है, आपने किसको फोन किया? दिवाली की सफाई के चक्कर में हो नहीं पाता सब कुछ भी यार। तो आप लोग मेरा जो है अगर देखते हो, क्या कह रहा, कहाँ खड़े थे, किस साइड, CPU वाले खड़े थे, पर हमें यार DL भी है और ये भी है। अभी एक मिनट रुकते हैं भाई, वो किसी का कॉल आ रहा है। सो दोस्तों अभी हम लोगों ने बना ली वीडियोस और रील्स बना ली, अभी हम लोग जो है निकले हैं घर के लिए। बहुत देर घूम लिए बाहर घर से आवारा, और आप देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है। अब तो वैसे मेरा DL भी बन गया, हेलमेट भी आ गया, सब कुछ चीज़ है, तो अब तो कोई पुलिस वाला भी कुछ कह नहीं सकता। बस अभी RN को भी थोड़ा सा हेलमेट वगैरह दिलाऊंगी मैं। अभी RN जो है मेरी वीडियो बना रहा है स्कूटी से। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है इसके भी वीडियो बनाने के, तो देख सकते हो मैं पीछे अभी मुड़ के दिखाई है, मैं देख सकते हो मस्त आराम से अभी बोल रही हूँ, बाद में देरी वॉइस ओवर ठेंगा गाइस ठेंगा। और अभी घर जाके काम भी करना है यार मुझे, अभी यहाँ जो इतनी बारह गिरती हो रही है ना, घर जाके काम करना, मम्मी का फोन आ गए। तो दोस्तों आ गई मैं घर, और RN के जाने के बाद मैं थोड़ा और घूम के आई, अकेले राइड मार के आई। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, थोड़ा सा जो है बैलेंसिंग में दुखता है अभी, हाथ मेरा काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया, आप देख सकते हैं श्रिंक भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा काँप रहा है क्योंकि जोर ज़्यादा पड़ता है, इसकी हैंडल की आदत नहीं है। बट गाइस मैं आदत डालना चाहती हूँ इस हैंडल की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया आज बाइक चला के। आप लोग बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर राइडिंग ब्लॉग्स चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बताना। अब जो है हम लोग घूमने जाएंगे तो उसके भी ब्लॉग्स आएंगे, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना कैसा लगा ब्लॉग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।